कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बीच डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क किया है। पान मसाला सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं तो वैक्सीन के काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी की प्रक्रिया सुस्त पड़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वैक्सीन लगवाने से पहले इन्हें छोड़ दें। अगर वैक्सीन लग जाए तो 3 महीने तक कड़ाई से परहेज करें। डॉक्टरों का कहना है कि सिगरेट गुटखे में 620 तरह के घातक रसायन पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। इनमें 35 घातक केमिकल ऐसे हैं जो किसी भी दवा या वैक्सीन को बेअसर करते हैं। कुमारवट लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वो पहले से ही कमजोर इम्यूनिटी वाले होते हैं। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्र के मुताबिक किसी तरह का नशा और कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट कोरोना वैक्सीन का रिस्पॉन्स कम कर देता है। अभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है, इस पर देश दुनिया में रिसर्च चल रहे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन के बाद अधिक सावधानी बरतें, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से दूर रहें ताकि वैक्सीन को अपना करने का समय मिल सके। कम प्रतिरोधक क्षमता में किसी भी तरह का संक्रमण संभव है, ऐसे में शरीर दूसरी बीमारियों के खिलाफ काम करने लगेगा और वैक्सीन के लिए एंटीबॉडी बनने में दिक्कत होगी।